तो दोस्तों होन्डा जो है वो अपनी क्वालिटी और रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है वर्ल्ड वाइड इवन इंडिया में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा कल्ड फॉलोइंग है होंडा इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल मोटरसाइकिल कंपनीज़ इन द वर्ल्ड राइट नाव अगर हम लोग उसकी सेल्स और प्रोडक्शन को कंपेयर करें इन ऑल ग्लोबल मार्केट्स कम्बाइन होंडा की जो सी बी आर रेंज है वो जनरली उसने रिज़र्व करके रखी है अपनी फुली फेयर्ड मोटरसाइकल्स के लिए और इन सब में से इन सी एंटायर सी बी लाइनअप में से जो इसकी 250 है क्वार्टर लीटर सी है वो एक राइट बैलेंस ऑफर करती है परफॉर्मेंस और फ्युगैलिटी की एक टाइम था जब सी बी आर टू इंडिया में भी कभी आया करती थी लेकिन हुआ क्या कि जब इन्होंने टाइमली इसको अपडेट नहीं किया तो लोगों ने अपना इंटरेस्ट खो दिया और इसकी सेल्स घटती चली गई और अल्टीमेटली होंडा को उसको डिसकन्टीन्यू करना पड़ा एक्चुअल में ये बाइक काफ़ी अंडर है और काफ़ी कुछ डिज़र्व करती है ये बाइक सच में मेरी काफ़ी फेवरेट है मेरे काफ़ी क्लोज़ है ये बाइक इसका लुक्स इंजन रिफाइनमेंट और परफॉर्मेंस तीनों ही नेक्स्ट लेवल थी एक्चुअल में अगर ये टाइमली इसको अपडेट दे देते तो आज भी ये बाइक हमें स्ट्रीट्स पे या रोड्स पे देखने को मिलती और परफॉर्मेंस की तो भाई पूछो ही मत मैं इनफैक्ट ये भी दावे से कह सकता हूँ कि टॉप एंड में अभी भी ये बाइक जो है बहुत सी 250 फिफ्टी को स्मोक कर, करने का दम रखती है तो खैर अब ये बाइक फ़िलहाल है नहीं हमारे पास में और आई होप ये जल्द ही लॉन्च हो जाए तो फिलहाल जो है हमारे पास जो सबसे चीपेस्ट सी बी अवेलेबल है इंडिया में वो है सी बी आर की सिक्स फिफ्टी आर विच कॉस्ट अराउंड रुपीज़ नाइन पॉइंट थ्री फोर लैक्स एक्स शोरूम तो ये तो रही इंडिया की बात तो अब हम बात कर लेते हैं द टेंटी ट्वेंटी थ्री सी बी आर टू फिफ्टी आर आर जो कि इंडोनेशिया मार्केट में लॉन्च की गई है तो हॉन्डा की जो टर्मिनोलॉजी है उसके हिसाब से जितना आर लगेगा बाइक के नाम के बाद उतनी ही ज़्यादा वो स्पोर्टियर और मोर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होगी तो पहले इसको 2016 में ग्लोबल मार्केट्स में अनवील किया गया था होंडा सी बी आर टू काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको पसंद किया इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो तो अब जैसे कि इसको अपडेट मिला है तो अपडेट में ना केवल इसको फ्रेशर डिज़ाइन मिला है बल्कि साथ ही होंडा ने इसके इंजन में भी काम किया है टू तो एक्सट्रैक्ट इवन मोर पावर देन बिफ़ोर तो सबसे पहले लुक्स डिपार्टमेंट की बात करें तो इट इज़ अ शार्प लुकिंग एनिमल द 2023 ट्वेंटी थ्री हॉन्डा सी बी आर टू फिफ्टी आर आर गेट्स एन ऑल न्यू फेयरिंग जो कि पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा एग्रेसिव बना दी गई है रेस्ट ऑफ द बॉडी पैनल्स की बात करें अलॉन्ग विद इट्स रियर सीट कॉल तो वो भी पहले के कंपेरिजन में डिफरेंट उसको भी चेंज कर दिया गया है एल ई डी लाइटनिंग स्टैंडर्ड है और जो टर्न इंडिकेटर्स है दे आर हाउस ऑन द टॉप ऑफ हेडलाइट्स इन टर्म्स ऑफ कॉम्पोन तो जो नई सी बी आर है इट गेट्स यू एस डी फोक्स फिनिश्ड इन गोल्ड कलर गोल्ड कलर में यू एस डी फोक्स में आपको मिल जाएंगे तो ये जो सस्पेंशन इसमें दिए हैं दे आर शोवा एस एफ एफ बी पी जिसकी फुल फॉर्म है सेपरेट फॉर्क फंक्शन बिग पिस्टन। वाइल जो रियर है उसमें आपको मोनोशॉक मिल जाता है विच इज़ माउंटेड ऑन एलुमिनियम स्विंग आर्म इसके बात करें व्हील बेस की तो थर्टीन हंड्रेड एंड एट्टी फाइव एम एम का व्हील बेस मिल जाता है जो कि पहले के में फोर एम एम स्मॉलर है जो कि कॉर्नरिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा अब हम आ जाते हैं इसके इंजन पे। तो कमिंग टू इंजन इट गेट्स फोर स्ट्रोक लिक्विड कूल टी यू एच सी पैल ट्विन मोटर अब क्योंकि इस पर इंजन में काम किया गया है तो होंडा ने बेसिकली क्या किया गया है आ, क्या किया है दे हैव मैनेज टू क्रैंक अप द कम्प्रेशन रेशियो स्लाइटली और इसी के कारण जो सी बी आर है इट इज़ एबल टू अनलीश फोर्टी टू पी एस ऑफ मैक्स पावर एट थर्टीन थाउजेंड आर पी एम एंड 25 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एट 11,000 थाउजेंड जो कि स्लाइटली 2 पी ऑफ पावर में बम्प हुआ है पहले के मुकाबले पहले इसमें अराउंड 40 पी की पावर और 25 फ़ाइव न्यूट्रन मीटर्स का टॉर्क मिल जाता था तो इसके बाकी के फीचर्स की बात करें तो इसमें डुअल चैनल ए बी एस थ्री राइडिंग मोड्स एक क्विक शिफ्टर स्लिपर क्लच और डुअल पॉड एग्जॉस्ट मिल जाता है इसके अलावा 14.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है और इस बाइक का जो वेट है इट इज़ अराउंड 168 हंड्रेड बेसिकली पावर टू वेट रेशियो इस गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसके अलावा होंडा इसको पांच कलर ऑप्शंस में ऑफर करती है एंड दे आर एस ब्रेवरी रेड ब्लैक मिस्टीक ब्लू मैट गन पाउडर ब्लैक मेटेलिक ब्लैक फ्रीडम एंड होंडा ट्राई कलर तो अगर आप CBR के ट्रू लवर हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे हैश टैग लवर लिख कर भेजना इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर लाइक करो कमेंट करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और इसको शेयर करो ताकि ये होंडा तक पहुँचे और होंडा के ऑफिशियल्स मजबूर हो जाएं सी को लॉन्च करने के लिए इसके अलावा बाइक से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने के लिए ऊपर आई बटन आ रहा होगा उस पर जाकर के आप और भी वीडियोज़ देख सकते हैं एक्चुअल में इन्होंने सी बी का ट्रेडमार्क रजिस्टर तो करवाया था बट कुछ भी होंडा की तरफ से ऑफिशियल अपडेट नहीं देखने को मिला है तो अब सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया बीच में काफ़ी हाइप तो बनी थी जब इसका ट्रेडमार्क का की न्यूज़ आई थी बट अब सब कुछ शांत हो गया है एक्चुअल में यार ये बाइक जो है ना हम लोग हम लोग डिज़र्व करते हैं यार इस बाइक को अब इंडिया में बाइक का इतना क्रेज़ है इतना एंथ्यूसियाज है तो होंडा को सोचना चाहिए पता नहीं ये लोग यार लगे पड़े हैं अपना शाइन और एक्टिवा को बेचने में जबकि इनको फुली फेयड बाइक एक लॉन्च करनी चाहिए अब पता नहीं किस अजीब अजीब तरह की बाइकें निकाले जा रहे हैं 300 पता नहीं आर एफ पता नहीं क्या क्या है खैर अगर हम इसके बाकी चीज़ों की बात करें तो प्राइज़ तो फ़िलहाल इंडोनेशिया मार्केट में रिवील नहीं किया गया है अगर इंडिया में ये लॉन्च होती है तो इसकी प्राइस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो समवेयर जो आर सी के प्राइजेज हैं साढ़े तीन से चार लाख के बीच एंड अगर इसके राइवल्स की बात करें तो इट विल गो अप अगेंस्ट के टी एम आर सी थ्री नाइन्टी बी एम डब्ल्यू जी थ्री हंड्रेड टेन आर एंड की वैस अपाचे आर आर थ्री हंड्रेड टेन तो यार आज का अपडेट यहीं तक था और जैसा मैंने कहा है अगर आप एक ट्रू सी वी आर लवर हो अगर आप चाहते हो कि होंडा सी वी आर को फिर से इंडिया में लेकर के आए तो जैसा मैंने आज वीडियो में बताया है प्लीज़ वैसा करना यार हम हाँ लोग मिल कर के इस बाइक को लेकर के आ सकते हैं अगर आप चाहो तो, तो आज की वीडियो यहीं क्लोज़ करते हैं अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में अंटिल देन टेक केयर गुड बाय थैंक यू वेरी मच